और खबर दिल्ली से है राजस्थान को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक और आपको बता दें कि सेवेंटी नाइन सीटों पर बैठक में सहमति सेम, बनी है वही दूसरी सूची अगले एक से दो दिन में जारी हो सकती है तो बड़ी और अहम जानकारी राजस्थान को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है वहीं आपको बता दें कि 79 सीटों पर बैठक में सहमति बनी है दूसरी सूची अगले एक से दो दिन में हो सकती है जारी अब देखिए कि जब पहली सूची आई तो पहली सूची में जो समन्वय बनाने की कोशिश करी तो अंदर खाने में ही नाराजगी देखने को मिली कार्यकर्ता भी नाराज हो की की गए वही डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की गई अब दूसरी सूची अगर बीजेपी आएगी तो उसमें कैसे समन्वय बैठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी किस तरह से इसमें समन्वय बैठाया जाता है जाहिर तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि दो सांसद भी उतारे जा सकते हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं विष्णु राजस्थान को लेकर बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई और पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई अब यह माना जा रहा है कि सेवेंटी नाइन सीटों पर सहमति बनी है एक से दो दिन में सूची आ जाएगी इसको लेकर क्या कुछ जानकारी कैसे समन्वय इस बार बैठाने की यह कोशिश की गई होगी किस तरह से नए प्रयोग किए गए होंगे बिल्कुल खुशबू बीजेपी की ओर से पूरे सर्वे के बाद ही यहां पर सूचियों पर मंथन किया नामों पर विचार किया गया जैसा मेरे अभी सहयोगी शशि मोहन ने बताया था कि कुछ जो सर्वे यहाँ से पैनल भेजा गया उसमें सिंगल नाम का पैनल भेजा गया कई कुछ सीटों पर दो नाम भेजे गए और वहीं कुछ सीटें जिन पर तीन नाम भेजे गए तमाम जीतने वाले जिताऊ और जो टिकाऊ उम्मीदवार है उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया और उन पर विचार किया गया है क्योंकि लगातार बीजेपी है वो पूरे मंथन के बाद चलिए सर्वे जब करवाया गया तो उसमें कारण तक दिए गए हैं कि सीट पर क्या कारण है क्या समीकरण है जिनकी वजह से ये जीत रहे और जिनकी वजह से हार रहे हैं मेरे सहयोगी शशि मोहन वापस जुड़ गए हैं उनसे बात करते हैं सर्वे को लेकर क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट जो है वो गोपनीय रिपोर्ट हाथ में लगी इनके शशि क्या कहना है कि जो रिपोर्ट आई है उनमें किन किन समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया देखिए विष्णु जिस तरीके की जो ये सर्वे रिपोर्ट पार्टी ने कराई वो अलग अलग लोगों से बातचीत की उसमें कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई आम जन से बातचीत की गई और उसके बाद में एक विस्तृत सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है जो 200 सीटों की सर्वे रिपोर्ट है दरअसल पहले हम दर्शकों को वो तस्वीर दिखा देते हैं सहयोगी कैमरा पर्सन विजय करण से कहूँगा कि इस सर्वे में लिखा हुआ क्या था मसला आप देखिए कि सुजानगढ़ की सीट जो एस के लिए रिजर्व है वो घोषित हो चुकी है उस सुजानगढ़ सीट के लिए इस सर्वे में लिखा हुआ है कि पार्टी की स्थिति टक्कर में है दरअसल उपचुनाव में मनोज मेघवाल यहाँ से जीत चुके हैं लेकिन मास्टर भंवरलाल मेघवाल नहीं है अब की बार कैंडिडेट इसलिए पार्टी टक्कर में मानी जा रही है और संभावित उम्मीदवार पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल को बताया रवि आर्य को बताया और संतोष मेघवाल को तीन नाम इस सीट से थे और तीसरा नाम जो संतोष मेघवाल जो पंचायत समिति सदस्य रही निर्दलीय चुनाव लड़ी छब्बीस हजार से ज्यादा वोट लेकर के आई और पिछले उपचुनाव के वक्त राजेंद्र राठौड़ की सिफारिश पर पार्टी में जिनको शामिल किया गया उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तब यह हल्ला भी हुआ कि पार्टी से बगावत करने वाले या पार्टी के खिलाफ लड़ने वालों को टिकट दिया गया है लेकिन ये कांग्रेस से बगावत करके आई थी हालांकि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा था इसमें कोई दो राय नहीं है एक सीट झुंझुनू है इस सर्वे में नाम है साफ तौर पर लिखा है बीजेपी पिछड़ रही है पिछली बार राजेंद्र भांबू को टिकट दिया गया था राजेंद्र भांबू पार्टी के वर्कर हैं एलएलबी हैं जिला उपाध्यक्ष हैं और साथ में आप देखिए कि नि, निशित चौधरी बागी खड़े हुए थे बबलू चौधरी जिनको टिकट दिया गया तो इसमें साफ दिखाया हमने कि पीजे भी पिछड़ रही है संभावित उम्मीदवारों के नाम बताए राजेंद्र भांबू निशित चौधरी और राजीव चौधरी इसमें से निशित चौधरी को दे दिया गया टिकट पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा चौधरी ने ये मुद्दा भी उठाया कि एक दसवीं तक की पढ़े लिखे व्यक्ति को टिकट दिया है और एलएलबी के एल एल बी डिग्री होल्डर को खारिज कर दिया है तो आखिर ऐसा क्यों किया गया अट्ठाईस नंबर पे मंडावा सीट है यहां पर बात आई भाजपा टक्कर में है दरअसल रीटा जो उपचुनाव में जीत करके आई रीटा चौधरी जो रामनारायण चौधरी की पुत्री हैं पूर्व पीसीसी चीफ और सीएलपी लीडर रहे हुए हैं उनके सामने नरेंद्र खीचड़ ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा और उनको हराया लेकिन नरेंद्र खीचड़ सांसद बन गए अब पार्टी उपचुनाव हार गई तो पार्टी देख रही है कि, कि किसको उतारें तो फिर सर्वे में नाम आया नरेंद्र खीचड़ और गिरधारी लाल खीचड़ का नरेंद्र खीचड़ दरअसल 2013 का जो चुनाव है उसमें बागी होकर के पार्टी से जीते फिर 18 में पार्टी के टिकट पर जीते उससे पहले प्रधान रहे हैं और इसी तरीके से नवलगढ़ सीट पे इस सर्वे का नाम आया भाजपा टक्कर में है हालांकि राजकुमार शर्मा को हराने की कई कोशिशें अलग अलग तरीके से की गई कभी प्रतिभा सिंह को टिकट दिया गया अलग अलग जातिगत समीकरण सोशल इंजीनियरिंग के किए गए लेकिन यहाँ जो संभावित उम्मीदवार सर्वे में आए उनका नाम था विक्रम सिंह ओमेंद्र चारण और ओमदास महाराज ओमदास महाराज वही हैं जिनकी जगह पर जिनके स्थान पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री को जाना था किसी कारणवश मुख्यमंत्री नहीं जा सके उनकी उड़ान को अनुमति नहीं मिलने का मुद्दा खूब गरमाया भी और फिर बाद में मुख्यमंत्री दौरा करके आए राजकुमार शर्मा को भी इससे थोड़ी बहुत राहत मिली होगी हालांकि बताया जा रहा है ओमदास महाराज की तरफ से बीजेपी में एक सीट पर पैरवी की जा रही है और जो दो सीट है वहाँ पर रोलन परिवार की हालांकि जो ट्रांसपोर्ट विभाग में अधिकारी हैं भजनलाल रोलन वो वहाँ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी पुत्री पूर्व में जिला प्रमुख रही है अपर्णा रोलन उनके लिए पैरवी की जा रही है यहाँ से नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखड़ का टिकट फाइनल हो गया उदयपुर वाटी से बीजेपी पिछड़ रही है सर्वे में ये स्थिति आई और यहाँ शुभकरण चौधरी का नाम शामिल था और विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा का नाम शामिल था ये विजेंद्र सिंह पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रिश्तेदार हैं हालांकि दूर के रिश्ते में लेकिन वो बताते हैं कि उन्हीं के परिवार से हैं खेतरी से यहाँ पर सर्वे में बीजेपी को थोड़ा आगे बताया है अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ से विधायक हैं धर्मपाल गुर्जर और मनीषा प्रधान का नाम है हालांकि जो पूरणमल सैनी है बसपा अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है यहाँ से और बसपा से पहले पूरणमल सैनी यहाँ से विधायक रहे इसका मतलब बसपा से वो खारिज हो चुके हैं इसलिए वो कांग्रेस से कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के सर्वे में धर्मपाल गुर्जर और मनीषा प्रधान का नाम है फतेहपुर जो सीट सर्वे में आई यहाँ देखिए सर्वे को पलटा गया बीजेपी की तरफ से जो फतेहपुर सीट का सर्वे था भाजपा थोड़ी आगे बताई इसमें नंदकिशोर महरिया जो सुभाष महरिया के भाई हैं लक्ष्मणगढ़ से जिनको टिकट दिया गया है लेकिन दो भाइयों को एक जिले में टिकट देना हो सकता है पार्टी को नहीं लगता हालांकि नंदकिशोर महरिया पूर्व में विधायक रहे निर्दलीय सुनीता जाखड़ का नाम आया इसमें और श्रवण चौधरी जो सी कोचिंग के संस्थापक हैं उनको टिकट दे दिया गया लक्ष्मणगढ़ यहाँ हम भी कई बार आज बात भी कर रहे थे सहयोगी दीपक से कि लक्ष्मणगढ़ है या लक्ष्मणगढ़ है तो लक्ष्मणगढ़ इस जगह का एग्जैक्ट नाम है और बीजेपी टक्कर में बताई हालांकि पिछले तीन चुनाव लगातार बीजेपी ने यहाँ हारे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं वो जीते हैं लेकिन इस सर्वे में संभावित उम्मीदवार दिनेश जोशी सुभाष महरिया और भागीरथ गोदारा को बताया गया और इसमें सुभाष महरिया का नाम पहले नंबर पर है शशि मैं एक मिनट टोकना चाहूंगा क्योंकि आपने सीट सीट में नंदकिशोर महरिया को जेजेपी की ओर से टिकट दिया गया है जो हरियाणा में आ, बीजेपी की अलायंस पार्टी है लेकिन यहाँ पर जेजेपी की ओर से नंदकिशोर महरिया को टिकट दिया गया है जी ठीक है विष्णु आप हमारे साथ बने रहिए है विष्णु शशि आपसे जानकारी लेते रहेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से ये समन्वय बैठाने की